स्टूडेंट्स अब हम 4/8 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। 4/8 का क्वेश्चन नंबर 2 उसको स्टार्ट करने से पहले हमें ये बात पता होनी चाहिए क्वेश्चन बोल क्या रहा है, क्वेश्चन में वैल्यू क्या दी गई है जो हमें मालूम करनी है। सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है p + p² + q² + r² हमें मालूम करनी है। p + q + r = √7, p³ + q r + r² = 2। हमें सिंपल ये बात दी गई, सबसे पहले हम फार्मूला लिखते हैं (a+b+c)² = (a²+b²+c²+2ab+2bc+2ca)। अब क्या होगा, हम इसके आगे सॉल्व लिखते हैं, सिंपल वही फार्मूला ऐड कर लेते हैं। हमारे पास a b है, b q है और r c, तो यहां पर p + q + r² = p²+q² + r² + 2pq + 2qr + 2rp। ये हमारा फार्मूला एक्सपेंड हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको मजीद आगे लेके जाते हैं। p + q + r² = p²+q² + r² + 2। हम देख रहे हैं 1, 2, 3 तीनों वैल्यूज में से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं। हमने 2 कॉमन ले लिया तो हमारे पास बचा pq + qr + rp। अब हम लिखते हैं एट द बराबर, सिंपल इसमें वैल्यूज ऐड कर देंगे। p + q + r की वैल्यू हमें दी गई है (√7) और इसका p² + q² + r² की वैल्यू दी गई है, मालूम करनी है। इसको हम एडिट कर लेते हैं, (+2)(pq + qr + rp) की वैल्यू हमें 2 दी गई, हम यहां पर 2 ऐड कर देते हैं। यहां पर अब जब इसको आगे लेके चलते हैं, ये स्क्वायर में कट जाएगा, p² + q² + r² + 4, हमारे पास 7 बचेगा, p² + q² + r² + 4। हमने जस्ट इसकी वैल्यू मालूम करनी है, +4 हमारा 7, p² + q² + r² इसको खत्म करने के लिए हमें यहां पर भी -4 लगाना पड़ेगा और यहां पर ये कट जाएंगे, 7 में से 4, सिंपल 3 आंसर आ जाएगा, p² + q² + r² = 3। दैट्स इट स्टूडेंट्स, 4.8 हमने इसी तरह कंप्लीट करनी है जैसे हमने क्वेश्चन कर लिए, बिल्कुल उसी तरह ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के 4 ऑप्शन है, 2 के 6 ऑप्शन। अगर किसी को प्रॉब्लम होती है व्हाट्सएप के नंबर पे या किसी तरीके से मुझसे रब्ता करें, मैं इंशाल्लाह उसको समझा दूंगा। अब आगे आप फार्मूला नंबर 11 और फार्मूला नंबर 12 समझेंगे तब हमें जाकर 4.9 समझ में आएगी। फार्मूला नंबर 11 और फार्मूला नंबर 12 हमारा कहता क्या है, फार्मूला नंबर 11 से पहले स्क्वायर मालूम करते रहे। सबसे पहले हमने 2 वैल्यूज के स्क्वायर लिए, फिर तीसरी वैल्यू ऐड की, 3 वैल्यूज के स्क्वायर लिए। अब हम क्यूब मालूम करेंगे, 2 वैल्यूज का क्यूब कैसे लिया जाता है, सिंपल (a+b)³(a³+b³+3ab)(a+b)। ये बहुत आसान याद करने में है, वैसे इसके आगे एक और भी वैल्यू लिखी जाएगी लेकिन वो लिखने की अभी आपको जरूरत नहीं है। इसी तरह से (a-b)³ आता है, (a³-b³-3ab)(a-b)। ये दो हमारे फार्मूले हैं, फार्मूला नंबर 11 और फार्मूला नंबर 12। सिंपल ये फार्मूले हैं, इनको एक्सपेंड कैसे करना है वो हम अभी सीख लेते हैं। (a+b)³ = (a+b)(a+b)
इंटू ए प्लस बी। इसका मतलब ये है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। सिंपल इसका मतलब यही है। जब हम देखेंगे कि दोनों ए प्लस बी के स्क्वायर हैं, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले ए को इन तीनों के साथ करेंगे, फिर बी को इन तीनों के साथ करेंगे। ए मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर प्लस ए मल्टीप्लाई बाई टू ए बी प्लस ए मल्टीप्लाई बाई बी स्क्वायर। ये ए हमारा खत्म हो गया, ए को हमने इसके साथ भी कर दिया, ए को हमने इसके साथ भी कर दिया, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इस वैल्यू को लेते हैं प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर प्लस बी मल्टीप्लाई बाई टू ए बी प्लस बी मल्टीप्लाई बाई बी स्क्वायर। हम देखते हैं इसको, ये ए स्क्वायर और ए क्यू हो जाएगा प्लस टू ए स्क्वायर भी हो जाएगा प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी प्लस टू ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यू। अब हम इसको आगे किसी लेके चलते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू, हमने क्यू वाली वैल्यू पहले लिखी। अब हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर बी वाली वैल्यू लेते हैं, टू ए स्क्वायर बी। हम ये भी ले चुके हैं, ये भी ले चुके हैं, अब ये लिख लिया। अब ए स्क्वायर बी वाली वैल्यू कितनी, एक ये रही। अच्छा ये ए स्क्वायर बी नहीं है, ए बी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, प्लस ए स्क्वायर बी। अब हम ये वाली वैल्यू लेंगे ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस टू ए बी स्क्वायर। हम देख रहे हैं ये दोनों वेरिएबल सेम और ये दोनों वेरिएबल सेम, तो ये प्लस हो जाएगा आपस में, वेरिएबल प्लस ही होंगे, साथ जो बेस है वो प्लस हो जाएगा। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस टू और वन थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, जब इनको प्लस किया। अब क्या देखते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री, इसमें भी ए थ्री ए बी कॉमन है, इसमें भी थ्री ए बी कॉमन, दोनों वैल्यू लिया जा सकता है। जब हमने थ्री ए बी कॉमन ले लिया तो यहाँ पर ए प्लस बी इक्वल है, सेम हमारा सिंपल हमारा ये फार्मूला सॉल्व हुआ है। इसी तरह हम ए माइनस बी वाला फार्मूला भी सॉल्व करेंगे। इसी तरह स्टूडेंट अब हम एक्सरसाइज 4.9 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.9 का पहला क्वेश्चन है फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 1 है 3x + 4, इसका क्यूब मालूम करना है। हम सॉल्व लिखेंगे 3x + 4 होल क्यूब लिखेंगे, फिर इज इक्वल टू, हमें फार्मूला पता है, हम ये a है और ये b है। अब हम क्या करते हैं, 3x प्लस 4 होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 ए इंटू बी इंटू ए प्लस बी। सिंपल ऐसे सॉल्व करेंगे इसको, इसका हमारा 3 का क्यूब आता है 27, एक्स क्यू प्लस 4 फोर था 16, 16 फोर था 64 प्लस 3 3 था 9, 9 फोर था 36 एक्स इंटू 3x प्लस 4। अब 36 एक दफा इससे मल्टीप्लाई होगा और एक दफा इससे मल्टीप्लाई होगा, 27 एक्स क्यू प्लस 64 प्लस 6 3 था 18, 3 3 था 9, 108 एक्स स्क्वायर प्लस 6 4 था 24, 6 3 4 3 12 और 2 14 x। अब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में ले आते हैं, सबसे पहले सबसे बड़ी वैल्यू प्लस 108 x स्क्वायर प्लस 144 x प्लस 64, ये बेटा हमारा
आंसर है, दैट्स इट।